गाइस पिछले कुछ दिनों के अंदर या फिर हफ्तों के अंदर मैंने कई सारे कस्टम रॉम से वीडियो शेयर किया है मैक्स प्रो M1 के लिए, लेकिन गाइस सारे लोग कस्टम रॉम फ्लैश नहीं करते, सबका बूटलोडर अनलॉक्ड नहीं होता। तो आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ ये नॉर्मल यूज़र के लिए है। एंड गाइस मैं अभी स्टॉक रॉम में हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा 3 बहुत ही यूज़फुल ऐप जो सबके काम आने वाले हैं, सबको इंटरेस्टिंग लग सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। गाइस स्टॉक रॉम में वापस आने का एक और मकसद है, कई लोगों ने बोला कि 060 के साथ कौन सा जीकैम परफेक्टली काम कर रहा है, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो फिलहाल मेरा कैमरा टू API ये डिसेबल्ड है, तो मैं इसे इनेबल करने की कोशिश करूँगा और साथ में जीकैम इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा, तो एक वीडियो आपको इस टॉपिक में देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक वॉलपेपर है, बहुत ही सिंपल है लेकिन साथ में यूनिक भी है, यानी इंटरफेस वगैरह बहुत ही सिंपल है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो इसे थोड़ा सा यूनिक बनाता है। तो ये है वॉलपेपर ऐप जिसका नाम है स्प्लैश, ये है मेन इंटरफेस। एंड अगर आपको वॉलपेपर स्क्रॉल करना है तो आपको सिंपल एक टैप करना पड़ेगा तो दूसरा वॉलपेपर लोड हो जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो आपको लोडिंग थोड़ा स्लो दिखा रहा है ये एक्चुअली मेरा इंटरनेट यहाँ पे काफ़ी स्लो है, तो जस्ट आपको टैप करना है और दूसरा वॉलपेपर आ जाएगा। अगर आपको वॉलपेपर सेट करना है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस होम स्क्रीन पे टैप कर दीजिए, आपका वॉलपेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो गाइस देखा आपने कितना सिंपल है वॉलपेपर सेट करना, आप चाहो तो इसे स्टॉप भी कर सकते हो। ये है सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको दिख रहा है अपडेट लॉक स्क्रीन, यानी अगर आपको वॉलपेपर लॉक स्क्रीन में भी चाहिए तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। अपडेट वॉलपेपर, अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, टैप किया मैंने, ये दूसरा वॉलपेपर आ गया लेकिन अब ये बैकग्राउंड में सेट नहीं होगा। एंड अगर आपको प्रीवियस वॉलपेपर में जाना है, आप चाहो तो इसी वॉलपेपर को और भी थोड़ा सा कूल बना सकते हो। कैसे? सेटिंग्स, एंड गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ब्लर वॉलपेपर एंड डार्केन वॉलपेपर, यानी आप वॉलपेपर को थोड़ा सा ब्लर्ड कर सकते हो और उसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो और ज़्यादा कूल लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पहले ब्लर करके, डार्केन। गाइज अगर आपको कोई वॉलपेपर अच्छा लग गया है तो आप चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड ये जो तीसरा वाला बटन है ये सर्च का बटन है, आप चाहो तो यहाँ सर्च कर सकते हो। जीरो सिक्स जीरो अपडेट के बाद आपको शायद नोटिफिकेशन एरिया में एक स्क्वायर आइकन दिखा होगा, गैलरी इज रनिंग करके एक मैसेज भी देखने को मिला होगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये गैलरी इज रनिंग और ये वो ऐप है, और शायद आपको इस तरह का स्क्वायर नोटिफिकेशन भी देखने को मिला होगा। तो ये जब मुझे नोटिफिकेशन दिखा ना तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए, जिसका नाम है एडवांस्ड सेटिंग्स। ओके, ये आप देख सकते हो बहुत सारे एडवांस्ड सेटिंग्स जो है आपके फ़ोन के आपको एक ही जगह पे एक ही ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा और आप सारे एक्टिविटी पे आराम से नज़र रख सकते हो। मैंने जैसे ये ऐप इंस्टॉल किया उसके बाद नोटिफिकेशन लॉक चेक किया तो मुझे दिखा ये ऐप गैलरी। ओके, आपके फ़ोन में जो ऐप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये ऐप। शो सिस्टम ऐप्स पे टैप कीजिए, आप चाहो तो इसे डिसेबल कर सकते हो, फोर्स स्टॉप कर सकते हो। ओके, फिर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। गाइस वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ वो गूगल फोटोज़ ऐप के ज़रिए ओपन हो रहा है, तो उस ऐप का कोई भी काम नहीं है। अगर कोई काम होगा बाद में मैं उसे इनेबल कर दूंगा अगर कोई इशू हुआ तो। डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन, क्विक स्टेप को मैंने नहीं दिया है, डिवाइस एडमिन परमिशन, सिर्फ फाइंड माई डिवाइस जो सर्विस है इसी को दिया है मैंने ये परमिशन, मैनेज डू नॉट डिस्टर्ब, ये आप देख सकते हो, सिर्फ डिजिटल वेलबींग को मैंने ये परमिशन दिया है। फ़ोन के सारे सर्विसेज पे एक ही ऐप के मदद से नज़र रख सकते हो। अब मैं आपको प्रिंट सर्विस दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो ये ऑन है और कहीं ना कहीं आपका बैटरी भी यूज़ हो रहा है। जब आपको इसे इस्तेमाल करना है तब आप इसे इनेबल कर लेना, अभी फ़िलहाल मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। ओके, इस तरह आप देख सकते हो बहुत सारे आपके फ़ोन के गुप्त सेटिंग्स है जिसे आप आराम से इस ऐप की मदद से चेक कर सकते हो। गाइज अब बात करेंगे तीसरे ऐप के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीसरा जो ऐप है ये मेरे साथ शेयर करने वाले हैं धर्मेश मिस्त्री। ओके, ऐप का नाम है डार्क मोड।
बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, डे मोड, नाइट मोड, ऑटो। मैंने नाइट मोड इनेबल कर दिया है और इस ऐप की मदद से बहुत सारे गूगल ऐप जो है उसमें डार्क मोड अप्लाई हो जाता है। गाइस इसके अलावा कुछ और यूजफुल ऐप्स में भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा, लाइक इंस्टाग्राम में आप देख सकते हो डार्क मोड अप्लाई हो चुका है, एंड प्ले स्टोर में डार्क मोड अप्लाई हो चुका है, गूगल फोटोज में डार्क मोड अप्लाई हो चुका है। एंड गाइस अगर आप सिस्टम में डार्क मोड को डिसेबल कर देते हो, यानी आप लाइट मोड इनेबल कर देते हो, तब भी ये जो ऐप्स है ये डार्क मोड में ही काम करेगा। तो आप ट्राई करके देख लेना कौन कौन से ऐप्स में डार्क मोड अप्लाई होता है, आप वाइट बैकग्राउंड एंड डार्क बैकग्राउंड दोनों के साथ ये ऐप को यूज कर सकते हो। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा मैक्स प्रो M1 के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड गाइस देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच।